हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको होली डेकोरेशन के लिए जो घर में आप DIY कर सकते हैं वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। सभी के घर में ऐसे शादी के कार्ड यूजुअली मिल ही जाते हैं और आज मैं जो भी आपको बनाना सिखाऊंगी वो बिल्कुल जीरो कॉस्ट DIY है। तो सबसे पहले इसको देखिए, हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। मैंने पहले से ही इसको ये शेप में मैंने कट करके रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ से बस इसको नीचे से हल्का सा दो कट आपको लगाना है। मैं नीचे इसमें एक हैंडल बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मेज़रमेंट ले रही हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और मैं यहाँ पर अभी इसका मेज़रमेंट लेके और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगी। पेंसिल से कुछ इस पे डिजाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ और अब मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के इसमें मैं कलर कर दूंगी, जिससे ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट लगेगा। तो देखिए, आप इसमें लोकल ही कलर यूज करें क्योंकि ये यूज एंड थ्रो है, तो आपको ये जीरो कॉस्ट DIY जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आप इसमें फेविक्रिल के कलर यूज़ ना करके या कोई भी जो भी आपके पास है, आप बहुत ही सस्ते वाले कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देंगे।
देखिए ये फाइनली लुक में कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने कलरफुल और सो वाइब्रेंट। इसकी जो कलर्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। और लास्ट में मैं इसकी माउथ पर भी हल्का सा कलर को यहाँ पर लगा दूंगी ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। और ये देखिए, ये मैंने एक प्लास्टिक का जो कप होता है उसको मैंने लिया है। मैं यहाँ पर कान्हा जी की छोटी सी बाल्टी और एक पिचकारी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि होली है और हम कान्हा जी के साथ होली ना खेलें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आखिरकार उन्हीं की वजह से तो आज हम ये होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर बाल्टी का हैंडल बनाने के लिए ये मैंने एक न्यूज़पेपर्स को फोल्ड करके, मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको फुल डिटेल में बताऊंगी। और ये भी मैंने न्यूज़पेपर से ही ड्रॉ किया है, तो अभी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। तो मैंने ये न्यूज़पेपर से ही मैंने ये बाल्टी का हैंडल बना लिया है और एक मैंने स्टैंड बनाया है। यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास कुछ लेस रखी है, जो इसको स्टोन लेस आप बोल सकते हैं, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। मैंने इसको इस कप पर लगा दिया है। साथ में ये कुछ स्टोन्स हैं, मैं इसको भी पेस्ट कर दूंगी। और मैं इसके माउथ पर हल्का सा येलो कलर से इसको आउटलाइन कर रही हूँ, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और अब मैं यहाँ पर कुछ डॉट्स बना रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा कलरफुल दिखे। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मैं इसको आपको फाइनली दिखाऊंगी। और साथ में मैं इसको अभी थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। बीच में मैंने इसको स्टोन लगा के एक फ्लावर बीच में भी बनाया है ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखे। और यहाँ मेरे पास ये प्लास्टिक की दो छोटी छोटी बॉटल्स पड़ी थी, मैं इन पे भी अच्छे से कलर कर दूंगी। और यहाँ पर ये देखिए, मैं अभी बाल्टी में जो हैंडल पे मैंने कलर किया था उसको मैं स्टेपलर से पेस्ट कर रही हूँ। अब मुझे पिचकारी बनाने के लिए ये आपके किसी भी मेडिकल स्टोर से ऐसा आप एक इंजेक्शन ले आइए। तो मेरे पास ये एक कलर टेप है जिसकी हेल्प से मैंने इसको इस पर अच्छे से पेस्ट कर दिया है। और अब मैं इस पर एक मास्किंग टेप की हेल्प से, ये देखिए, मैं इसके हैंडल पर भी इसको अच्छे से पेस्ट कर दूंगी, जिससे ये कलर करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ प्लास्टिक पे कलर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए, मैं इसको यहाँ पर अच्छे से पेस्ट कर देती हूँ। और अब मैं यहाँ पर जो भी आपको कलर पसंद है तो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो मैंने बाल्टी पे कलर किया है वो भी थोड़ा सा पिंक कलर ही है। और यहाँ पर देखिए, इसको और वाइब्रेंट लुक देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड कर दूंगी। और मैं इन पे प्लास्टिक की बॉटल्स पे यहाँ पे सेकंड कोट कर रही हूँ, और मैं उन पे कान्हा जी का जो कलर्स होते हैं, जो गुलाल होता है, वो उसमें भर के रखूँगी। यहाँ पर देखिए, मैं एक कलर स्पॉट बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक और शेप कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है और अब मैं इसको कलर कर दूंगी। मैं इसको डार्क ग्रीन कलर से कलर कर रही हूँ, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और आप चाहें तो कोई भी कलर इसमें कर सकते हैं। तो मैंने अपने घर के कंट्रास्ट को देखते हुए इसमें मैंने ग्रीन कलर किया है, क्योंकि मुझे ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था। और मैंने यहाँ पे देखे कुछ ट्रायंगल फॉर्म शीट, जो शादी का जो कार्ड था उसी से मैंने ये सारे DIY बनाए हैं, जो टोटली फ्री है, आपको कहीं से कुछ भी नहीं लाना है। तो देखिए, अब मैं इसमें यहाँ पर मैंने इसको कट करके मैं इसमें हैप्पी होली अच्छे से लिख लूँगी। और साथ में मैंने मंदिर को सजाने के लिए, आफ्टर ऑल होली के दिन हम मंदिर को डेकोरेट ना करें ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने कुछ और ट्रायंगल शेप कट कर लिया है, उस पर मैंने कलर कर दिया। और यहाँ पर देखिए, मैंने पिचकारी को भी स्टोन लेस से सजा कर बीच में इसमें भी मैंने एक स्टोन लगाया। मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर रही हूँ ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। फाइनली देखिए, मैंने यहाँ पर एक जू ड्रॉप ले ली है और मैं इसमें सारे अपने जो ट्रायंगल्स हैं इसमें अच्छे से मास्किंग टेप से इसमें पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और फाइनली देखिए, यहाँ पर अब मैं कुछ और बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो मैच बॉक्स लिए हैं, जो कि आपको खाली मैच बॉक्स ले लीजिए और इस पर आप अच्छे से ब्लैक कलर कर दीजिए। ये सरप्राइज़ है, आपको आगे पता चलेगा कि मैं एक्चुअली इसका क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली हैं जो आसपास ही में सब रखी हुई थी। फाइनली मैं यहाँ पे एक लास्ट मैं एक शेप कट कर रही हूँ, जो कि एक मटकी की शेप है। और मैं इसे भी देखिए ब्राउन कलर से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा नेचुरल दिखाना है। तो मैं इसको जितना भी हो सके आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको
मेरे जो DIY हैं ये अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो आपको इजीली मिल पाए। मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा शिमरी सेड के लिए सिल्वर कलर से इसको थोड़ा सा हल्का सा डस्ट कर रही हूँ। बीच में देखिए यहाँ मैं इसमें एक येलो कलर का फ्लावर बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपने मैच बॉक्स पे देखिए, जो कि एक सरप्राइज था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी के लिए ना छोटे छोटे से 2 DJ बना रही हूँ। तो मुझे ये आइडिया इंस्टेंट आया और मुझे लगा कि क्यों ना हम सब म्यूज़िक इतना लाउड सुनते हैं होली पे, या इतना म्यूज़िक पसंद करते हैं या होली के सॉन्ग सुनते हैं, तो मैंने सोचा कि कान्हा जी के लिए भी मैं छोटे छोटे से 2 DJ बना दूँ। तो देखिए ये मैं कान्हा जी के लिए 2 DJ बना रही हूँ और ये काफ़ी क्यूट से लग रहे थे और मुझे तो बहुत पसंद आए। तो ये देखिए, आई होप कि आपको भी पसंद आए होंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने जो भी आपको DIY अभी दिखाए हैं वो सारे मैंने वॉल पे अच्छे से हैंग कर दिए हैं। और ये देखिए जो मैंने जूट रॉप से हैप्पी होली बनाया था, आप इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा स्मॉल ही चाहिए था तो मैंने इसको थोड़े छोटे साइज में बनाया। साथ में जो मैंने यहाँ पे पिचकारी बनाई थी तो वो मैंने इस तरह से थोड़े से राउंड शेप में लगा दी हैं। बीच में मैंने इसमें कलर स्पॉट जो था ग्रीन कलर का वो मैंने लगाया। ऊपर मैंने जो गुलाल से भरा हुआ मटका है वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर इसको लगा दिया है, क्योंकि ये मेरे घर की एंट्रेंस जो वॉल है उसी पे मैंने लगाया है। और ये जो बैल देख रहे हैं आप, उसके नीचे भी ये मैंने एक DIY लगाया है, तो मैंने इसको यहाँ से नहीं हटाया है। और इसको मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में इसको बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया। तो आई होप ये आपको अच्छा लगे, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था और इवन ये मेरे घर में भी सबको पसंद आया। आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली।